मतलब एज से पहले जो है ना आपकी स्किन जो है वो बूढ़ी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबीला स्टील हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी तबीयत जो है वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से मेरी वीडियो डिले भी हो गई, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो आज बना रही हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो ओपन पोर्स है, क्योंकि मुझे इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी, तो मैंने सोचा कि ना पहले ओपन पोर्स पे ही वीडियो बना दी जाए। ओपन पोर्स जो है वो हर किसी की स्किन पे होते हैं, और एक्चुअली ओपन पोर्स का काम हमारी स्किन पे ये होता है कि हमारी स्किन एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है, जो कि ओपन पोर्स जो होते हैं उन पोर्स के थ्रू वो ऑयल निकलता है, और ये एक नेचुरल सिस्टम है। लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो वो ऑयल जब निकलता है तो उसकी वजह से पोर्स भी खुल जाते हैं, वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जो कि बुरे भी लगते हैं, और आपकी स्किन जो है वो टाइम से पहले जो है वो लूज़ भी हो जाती है। तो उसके लिए जो है वो मैं आपको एक फेस मास्क बताऊंगी और एक टोनर बताऊंगी, आप उसको यूज़ करें और इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो मास्क के लिए मैं पहले आपको चीज़ें बता देती हूँ। उसके लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए है वो चाहिए है अंडे की सफेदी, उसके बाद हमें चाहिए है मुल्तानी मिट्टी, उसके बाद हमें चाहिए है एलोवेरा जेल, और उसके बाद हमें चाहिए है थोड़ा सा जो बनाना जरा नरम हो वो आपने लेना है, इस तरह से उसका छिलका हमें चाहिए, बनाना नहीं चाहिए, छिलका चाहिए हमें। और सबसे पहले मैं जो सफेदी है ये मैंने 2 चम्मच ली है, ठीक है, इसमें मैं 1 चम्मच जो है वो मुल्तानी मिट्टी का ऐड करूंगी। एक्चुअली जो क्ले मास्क होता है, जो क्ले मास्क आपके फेस पे काम करता है पोर्स को श्रिंक करने में, वो कोई भी और चीज नहीं करती, इसलिए हम मुल्तानी मिट्टी का मास्क बना रहे हैं। इसके बाद हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे, तकरीबन मैं 1/2 चम्मच लूंगी, और जो बनाना है इसका एक्चुअली जो इसके ये अंदर वाला हिस्सा है हमें इसका गूदा चाहिए, तो हम इसको फोर्क की हेल्प से इस तरह से आप देखिए अच्छे से वो करेंगे, ताकि हम इसे इजीली जो है इसमें से निकाल सके। नरम बनाना में से जरा निकालना आसान होता है, इसलिए हम नरम बनाना लेते हैं। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है, इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी एफर्ट लगेगी, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त मास्क जो है वो रेडी हो जाएगा। सो मास्क मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ इस तरह की है। अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूंगी, इसे एटलीस्ट 15-20 मिनट्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने फेस पे। सब हमने अपने फेस पे से अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और अब मैं एटलीस्ट 15-20 मिनट्स वेट करूंगी कि ये ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं अपना फेस जो है वो नॉर्मल या ठंडे पानी से वॉश कर लूंगी। मास्क ड्राई होने के बाद मैंने फेस को वॉश कर लिया है, और मेरी स्किन जो है वो काफी टाइट फील हो रही है। आप चाहें तो, अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, तो आप खाली अंडे की सफेदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बनाना का छिलका है उसको डायरेक्ट जो है वो अपनी स्किन के ऊपर रब भी कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये चीजें जो है इनसे आपको जो ओपन पोर्स हैं उनको श्रिंक करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एक सेकेंड स्टेप भी है जो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ये जो है मास्क अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है हल्का सा, और उसके बाद आपने एक टोनर अप्लाई करना है, और वो टोनर बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपने
एप्पल साइडर विनेगर आपको चाहिए होगा, ठीक है। और एप्पल साइडर विनेगर जो है ये हाफ आपने ये लेना है, लाइक अगर एक कप है तो हाफ एप्पल साइडर विनेगर और हाफ उसमें आपने पानी ऐड करना है। आप रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं, और मैंने ये ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। इसमें मैंने हाफ जो है वो एप्पल साइडर विनेगर ऐड किया था और हाफ पानी ऐड किया था। और इसको आपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद आपने इस तरीके से जो है वो आपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। आपने फौरन से जो आईज हैं वो ओपन नहीं करनी, वरना ये आपकी आंखों में चुभ भी सकता है। और दूसरा ये कि जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है वो इसको यूज ना करें, वो इसकी जगह जो खीरा होता है उसका जूस निकाल के उसको एज अ टोनर यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चंस या क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अपील हो हमें याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।